2019 का ये कुंभ पूर्णता की ओर है। माघ का महीना 19 तारीख को पूरा हो जाएगा। सभी प्रमुख संत वापस जाने लगे हैं, कुछ हैं वो एक दो दिन में जाएंगे, 19 फरवरी के बाद कल्पवासी भी चले जाएंगे और धीरे धीरे सरकार भी अपने एस्टेब्लिशमेंट यानी बिजली पानी सड़क और धीरे धीरे पुलिस स्टेशन ये भी वाइंड अप होने शुरू हो जाएंगे। मुझे इन कुंभ में आने का देखने का पहला अवसर 1989 में प्राप्त हुआ। मैं प्रयागराज के ही कुंभ में आया था, उसके बाद तो हरिद्वार प्रयागराज उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज में अर्धकुंभ और कुंभ दोनों चलते रहते हैं। इन सब में मुझे रहने का अवसर मिला है, सब जगह देखा भी है। मैं लगभग प्रतिवर्ष प्रयागराज में माघ मेला में आता हूँ, 15 दिन 20 दिन रहता हूँ। इस बार क्या अंतर था तो मैंने पहली बार देखा कि मेले को माध्यम बनाकर इलाहाबाद शहर की सड़कें चौराहे बहुत चौड़े कर दिए गए। जिन रेलवे फाटक पर जाम लगते थे फ्लाईओवर बन गए। कानपुर से आने वाली सड़क पर 3-3, 4-4 घंटे में रास्ता निकलता था, 2-2.5 किलोमीटर का फ्लाईओवर बन गया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई शहर के लोगों के लिए। चौराहे चौड़े हो गए, शहर में कई स्थानों पर सड़क के ऊपर रेलवे लाइन जाती है, नीचे सड़क है ऊपर रेलवे लाइन क्रॉस करती है। रेलवे डिपार्टमेंट ने रेल लाइन के नीचे से जो रोड गुजरती है उसको कई जगह दुगना कहीं 3 गुना कहीं 4 गुना चौड़ा कर दिया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि या अंतर पहले की तुलना में इस बार प्रयागराज में मुझको लगा। दूसरा अंतर मैंने क्या देखा, गंगा जी के तट पर महिलाओं के वस्त्र बदलने के लिए जो केबिन बनाए गए मैंने यहां कभी नहीं देखे। पहली बार मेला प्रशासन ने ये सब उपलब्ध कराए। जिस किसी भी व्यक्ति ने ये कल्पना दी उस कल्पना को प्रशासन ने स्वीकार किया। सरकार का तो हस्तक्षेप रहता ही नहीं प्रशासन बन जाने के बाद। उस कल्पनाकार को और उस कल्पना को स्वीकार करने वाले तमाम अधिकारियों को भगवान की कृपा और इन माताओं की कृपा प्राप्त होगी। गंगा नदी के अंदर स्नान करने की एक लिमिट तय कर दी। स्नान के घाट बहुत अच्छे थे लेकिन एक 10 से 15 फीट के बाद उन्होंने प्लास्टिक के पीपों की एक ऐसी बाड़ लगा दी थी ताकि उसके बाहर व्यक्ति जा ही ना पाए। उसके बाद भी बाहर की साइड में नाव गोताखोर ये सुरक्षित रहते थे, ये भी मैंने पहली बार देखा, अन्यथा ऐसा नहीं होता था। मैंने कभी भी नहीं देखा कि कुंभ मेले में 40-50 घाट बने हों, चौड़े चौड़े घाट संगम के पूर्वी तट पर 1 किलोमीटर का घाट जहां 10 से 20 लाख आदमी एक साथ संगम में स्नान कर सके और संगम नोस पर कोई दबाव भी न पड़े, ये भी मेरा पहला अनुभव है। ये बहुत अच्छी कल्पना थी। जिस किसी की भी कल्पना है वो कल्पनाकार और उसको एग्जीक्यूट करने वाले उसको मानने वाले
सभी लोग बधाई के पात्र हैं। सड़कें बहुत चौड़ी थी, सामान्यतः सड़कें बनती ही हैं, लेकिन उसको दुगना तीन गुना बढ़ा दिया गया। मेले का जोन एरिया बढ़ गया, पुलों की संख्या बढ़ गई। एक बहुत बड़ी बात इस बार इन्होंने ये की कि पूरा ट्रैफिक वन वे था, मेला की ओर जाने वाला शहर का ट्रैफिक भी वन वे था। मेले के अंदर जितने पेंटून ब्रिज बने वो वन वे थे और उसको बदला नहीं गया। ये बहुत बड़ा अंतर था जिसके कारण कहीं भी रास्ते जाम नहीं हुए, स्लोली चलते रहे, लेकिन कोई दुर्घटना नहीं हुई इतने बड़े मेले में। मैं एक और अंतर इस बार देखा, इन्होंने लगभग सभी सेक्टर्स में या सेक्टर्स के चौराहों पर सरकार ने यात्रियों के लिए अच्छे सुंदर यात्री गृह बनाए थे, डॉर्मेट्री कह सकते हैं। एक एक हैंगर के अंदर 50-50 100-100 पलंग पड़े हैं, उस पर गद्दा है, चादर है, तकिया है, रात्रि में ठंड से बचने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा स्थान है, और नॉमिनल पैसे पर। इसके कारण होटल के लोगों को तो कष्ट हुआ ही होगा, लेकिन जनता को कितनी सुविधा हुई। मुझे यहां तक बताया गया है कि हमेशा सब भरे रहते थे, धनाढ्य लोगों के लिए जो एक रात को आते हैं, पैसा खर्च करने का संकोच नहीं करते, होटल में तरसते रहते हैं, सरकार ने टेंट सिटी बनाई। और मुझे बताया गया है कि टेंट सिटी खाली ही नहीं रहती थी। अब उस टेंट सिटी के अंदर कितने हजार टेंट लगाए ये तो मैंने किसी से पूछा नहीं, बताया भी नहीं, मैंने उसको देखा भी नहीं। लेकिन अगर ये टेंट सिटी न बनती तो इनमें निवास करने वाले लोग तो होटलों में ही जाते, होटल में जाकर रहना और कुंभ मेले में गंगा जी के तट पर टेंट के अंदर रहना, दोनों का आंतरिक आनंद ही अलग है, आंतरिक आनंद ही अलग है। कुंभ का आनंद तो तभी है जब चाहे 10,000 रुपया किराया देना पड़े परंतु गंगा के तट पर तंबू में रहा जाए। ये भी एक बहुत बड़ा चेंज मैंने इस बार देखा। सम्मेलन करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की आकृति के, भिन्न भिन्न प्रकार के क्षमता वाले इन्होंने पेंडॉल बनाए, और वो पेंडॉल लगभग हर कोने में मैंने देखे, ताकि सामाजिक संस्थाएं अगर अपने कोई सम्मेलन करना चाहती हैं 2,000-5,000 के, वो कर सकती हैं। ये भी एक पहले कभी ऐसा मैंने देखा नहीं था, इस बार मैंने देखा है। 2013 में रेलवे स्टेशन पर एक दुर्घटना हो गई थी। उस दुर्घटना क्यों हुई ये तो एडमिनिस्ट्रेशन जाने, रेलवे प्रशासन जाने, लेकिन इस बार रेलवे प्रशासन ने अच्छा किया कि कठिन काल में, मेला काल में प्लेटफार्म पर जाने के लिए एक डायरेक्शन और प्लेटफॉर्म से बाहर आने के लिए एक दूसरी डायरेक्शन सिविल लाइन साइड उन्होंने की। एक और अच्छा काम इस बार किया कि प्लेटफॉर्म पर ही भीड़ ना बैठे, इसके लिए बाहर उन्होंने 3,000-4,000 क्षमताओं वाले और कॉम्प्लेक्स तैयार किए जहां लोग सुरक्षित बैठ सकें और उस परिसर में बैठकर अपनी गाड़ी की प्रतीक्षा करें। जब पब्लिक अनाउंसमेंट हो तभी उस प्रतीक्षा, कई कई हजार क्षमता वाले उस प्रतीक्षा गृह के माध्यम से उठकर प्लेटफार्म की ओर जाएं। रेलवे ने एक और बढ़िया काम किया, स्काई वॉक, किसी भी पुल से किसी भी प्लेटफार्म पर चढ़िए, किसी भी प्लेटफार्म के किसी भी पुल पर पहुंच जाइए। तो प्लेटफार्म पर भीड़ दिखाई नहीं देती थी, स्काई वॉक से कहीं से भी चढ़ती थी और अपने गंतव्य पर किसी भी प्लेटफार्म पर पहुंच जाती थी। ऐसे बहुत से, और ये सब स्थाई काम हो गए, फॉर एवर हो गए। रेलवे का स्काई वॉक फॉर एवर हो गया,
बड़े बड़े प्रतीक्षा विश्राम गृह हमेशा के लिए तैयार हो गए, जितने फ्लाईओवर बने, सड़कें बनी, हमेशा के लिए तैयार हो गए। तो ये इस बार के अलाहाबाद के कुंभ मेले का मेरा के ऐसा अनुभव है जो मैंने तो वहीं पहले कभी देखा नहीं था। महिलाओं के वस्त्र बदलने के लिए केबिन तैयार करना एक और नई बात थी। इस बार घाट के ऊपर दूर दूर तक उन्होंने पैरा बिछा दिया, पुआल बिछा दी, वो दरी का काम कर रही थी, लोग उस पर आराम से बैठ सकते थे, कपड़े रखते थे, वो कपड़े पर मट्टी नहीं लगती थी, खराब ही नहीं होते थे। ये एक बहुत बड़ी बात थी। 20 पुल, ये भी अपने में एक यूनिक बात थी इस बार। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जितना मैंने देखा है 1989 का कुंभ, 1995 का अर्ध कुंभ, 2001 का कुंभ, 2007 का अर्ध कुंभ, 2013 का कुंभ, अब ये 2019 का अर्ध कुंभ जिसको कुंभ शब्द दिया गया, ये पूर्ववर्ती मैनेजमेंट की तुलना में इट वॉज फार बेटर।